এবার অনলাইন স্টুডেন্টস তো ভালো থাকে। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है प्लीज? एक कलर क्वेश्चन नंबर टू काइंडली प्लीज उसका आंसर सामने रख रहे हैं। उसमें चंद एक बातें पहले मैसेज हो रहा रिटर्न कल क्लास में गया तो उसमें तो नहीं कोई इशू है, रिवाइज कर लिए सर ने। चलिए सर ये क्वेश्चन नंबर टू में जरा दो चीजें पहले मैं सुन रहा हूँ, इसमें एक दो हेड जरा नए थे। सेल परचेज ओपनिंग स्टॉक परचेजेस कैरिज आउटवर्ड्स कैरिज इनवर्ड्स रिटर्न आउटवर्ड्स रिटर्न इनवर्ट्स थी इसमें वो क्या होती है रिटर्न इनवर्ट्स तो सेल बेटा फिर एसिटीज ही आनी थी परचेजिंग में से माइनस हो जाना था लेकिन सेल में से नहीं। मैं इसका आंसर दिखाता हूँ अब चलते हैं आगे। मैंने क्लब से यूज हुआ है बिजनेस रेट्स तो इसका जरा मीनिंग लिखता हूँ। बिजनेसेस ने टैक्स देने होते हैं ये वर्ड सुना कभी टैक्स? तो बिजनेस रेट एक टर्म है जो नॉर्मली इस्तेमाल होती है प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए। बिजनेस का अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्स हो एक एग्जांपल के तौर पर लिख लो। ऐसे तो टैक्सेस और भी बहुत सारे होते हैं जो ऐसा ऐसा आगे चलते हैं चलेंगे फिलहाल बिजनेस रेट्स की एक एग्जांपल लिख लें। अभी सुना ना प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी इसका टैक्स तो अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसका टैक्स बिजनेस रेट कहलाएगा। तो ये कहाँ लिखेंगे फिर हम बिजनेस रेट्स उसके इसका लिखा था एक्सपेंसेस में आ जाएगा। बाकी फिर मैं इसके आंसर वगैरह दिखाता हूँ पहले आप जरा बातें सुन रहे कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज। अब बिजनेस रेट देन इसके बाद लिखा हुआ कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस इसको आप टेलीफोन समझ लें मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट चार्जेस समझ लें कमीशन पेड तो ओके प्लीज इसका तो नहीं एक्सपेंसेस में आ जाएगा। एक लफ्ज लिखा हुआ इंश्योरेंस इसकी मैं अभी डिटेल डिस्कशन करता हूँ ठीक है लेकिन मेरी भी चंद बातें एक मिनट सुन लीजिएगा इस आगे पहले कंप्लीट करना और ये तो नहीं सुना सैलरी एक्सपेंसेस बिल्डिंग बेड डेटर ये तो कल वाली चीजें हैं तो क्लोजिंग स्टॉक बैंड में ये बिल्डिंग है सर बिल्डिंग बिल्डिंग क्या है सर बिल्डिंग लाइबिलिटी है सर फाइनल फैसला करें किस रुख बैठना है सर क्लास में मतलब मेरी तरफ या भाई की तरफ चेयर पलट लेते हैं ना बार बार डिस्टर्ब हो रहा है मेरी वजह से। इंश्योरेंस के एंगल से चंद गुजारिश जरा सुनो चलिए स्टार्ट लिया करें। देखिए मैंने पहले भी कहा था मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मुझे खुदा ना खासा कोई नौजवान हंसता बुरा नहीं लगता देखो मेरे पे इस तरह के इल्जाम ना लगाइएगा फिर बच्चे ऐसे तो मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसी खुदा ना खासा कोई बात नहीं आपकी दोस्तियां अल्लाह करे क्यामत तक बल्कि जन्नत में भी कायम रहे ऐसी कोई बात नहीं खुदा ना खासा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि ये जो काउंटिंग है ये डिजर्व करती है किसे किसे कंसंट्रेशन दी जाए तो क्लास में काइंडली बाकी बेटा आप दोस्त हैं अल्लाह ताला आपकी दोस्ती में और बरकत पैदा करे सिर्फ क्लास क्लास दौरान क्लास अकाउंटिंग प्लीज अकाउंटिंग जी सर जी इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट था काइंडली अपने वर्ड तो होपफुली सुना होगा ये बैठ जाएगा सर जी आगे जो इंश्योरेंस पहले मैं जुबानी थोड़ा सा चंद एक बातें बता दूं आपको कुछ अगर अपनी बातें सुनी हुई है तो बीच में जरा सब कुछ मिक्सअप करके सही कर दीजिएगा। लेट्स अज्यूम बहुत सी एग्जाम्पल्स की हो सकती है कार इंश्योरेंस को समझ आएंगे गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाई जाती है मतलब इसका ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपने गाड़ी की अगर इंश्योरेंस करवाई भी है और गाड़ी को कोई डैमेज हो जाए गाड़ी चोरी हो जाए या गाड़ी का अदरवाइज को डैमेज नुकसान हो जाए उसको पार्ट भी उतार के ले जाए तो अगर इस तरह के काम हो जाए और आपने इंश्योरेंस करवाई हो
तो आपको अपना ये नुकसान जो है इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाता है। यहां तक जो मैंने बातें की हैं, मेरी बात किसी को समझ आई? इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा हुआ हमारा नुकसान कवर करते? तो अब मुझे जरा एग्जांपल बना लेना। एक बड़ा इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना है तो आप किसी इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर, सही? इंश्योरेंस कंपनी, किस कंपनी के पास जाएंगे? तो इंश्योरेंस करती है, तो इंश्योरेंस कंपनी। आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मेरी ये गाड़ी इंश्योर कर, इसकी इंश्योरेंस कर। तो अगर फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट हो जाए तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे कुछ इनिशियली पैसे देंगे? देखिए, वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो हम आपका नुकसान कवर कर देंगे, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस होंगे, वो हमसे कोई पेमेंट भी ले, हमसे पैसे भी ले। तो नॉर्मली ये पैसे सालाना होते हैं, मीन्स एनुअली इंश्योरेंस होती है। तो साल जब गुजर जाएगा तो आपको फिर अपना ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है। तो फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन, लेट्स अज्यूम इंश्योरेंस एग्रीमेंट स्टार्ट्स ऑन 1 जनवरी 2020। देयरफॉर इसका साल कब गुजर जाएगा? अरे साल तो एंड करवा दें यार, मोबाइल निकालना है सर, मोबाइल निकालें सर, उसमें कैलेंडर की ऑप्शन ढूंढना सर, अगर नहीं है तो उधर खड़े होते हैं, एक ताजियती रेफरेंस आपसे रखना है, जरा कहीं खड़े होइए सर, नहीं वो मोबाइल नहीं, हाँ बेटा मेरे से ले लें, कैलेंडर ओपन कर, कैलेंडर ओपन कर तो प्लीज, जब मैं ओपन कर आपने शायद कभी आइडिया ना हो, नहीं मतलब कंफर्म कर लेता, नहीं मतलब अगर हमारा साल 1 जनवरी 2020 को शुरू हुआ है और इस गरीब ने 31 दिसंबर 2021 पे खत्म होना है, तो मेरे ख्याल बाकी रह नहीं देते हैं, ये फैसला आज करते हैं, हम किन चक्करों पड़े हैं? ये सर ये कब खत्म होना है सर? 2020 31 दिसंबर 2020, बस ये बात यहाँ खत्म करना। दोबारा लेट मी रिपीट, इंश्योरेंस कंपनी के पास आप गए, आपने उनसे कहा गाड़ी मेरी इंश्योरेंस, उनकी इंश्योरेंस करना है। तो फॉर एग्जांपल ये पीरियड डिसाइड हुआ, इसका सपोज अब इंश्योरेंस कंपनी को आपके इसके पैसे जाने इस साल के, सपोज 20,000। देखिए हमारी गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, वो भी 20,000 होती है, कम से कम भी आजकल गाड़ी जो है 15-20 लाख तो कर लेते हैं, ये बाकी डिफरेंट अपनी अपनी। एक मैं जिस गाड़ी की इंश्योरेंस करा सपोज की कॉस्ट है, अब इंश्योरेंस की हमारी गाड़ी की कॉस्ट है 15 लाख, मैंने लिखा है इंश्योरेंस 20,000 पर एनम, हो क्या रहा है? और मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है, नुकसान अगर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें रिकवर करेंगे, गाड़ी इवन चोरी भी हो जाए तो 15 लाख हमें मिलेगा, तो खुदा ना टूट जाए तो जितना नुकसान होगा इस इंश्योरेंस की वजह से हमें मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करें, हमसे कुछ पैसे ले रहे हैं जो उन पैसों से बहुत कम होते हैं जितना का हमारा एसेट होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले इस चक्कर में क्यों पड़े हैं, उन्हें क्या फायदा है? सवाल यहाँ ये पैदा होना चाहिए, कौन किसको 20 दे रहा है? हम इंश्योरेंस कंपनी को 20,000 दे रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें क्या गारंटी दे रहे हैं कि अगर इस साल के दौरान हमारी गाड़ी को कोई नुकसान हुआ तो वो हमारा नुकसान पूरा करेंगे, और हमारा नुकसान 15 लाख तक भी हो सकता है तो हमें पूरा करेंगे। तो वो क्यों इस चक्कर में पड़े हैं? उनकी ये दुआ होगी कि मौला इस गाड़ी को कुछ ना हो, और हमारी क्या दुआ होगी, हेम रखिएगा इस गाड़ी में आप बैठे भी होंगे,
तो जैसे ही खुदा ना खासा कुछ होने लगेगा हम उड़ के बाहर नहीं आ सकेंगे। जी हमारी क्या दुआ होगी, हमारी क्या दुआ होगी, मैं इनमें पढ़ाता हूँ। नहीं मतलब नहीं, तो अगर गाड़ी कुछ हमें उससे क्या, हमने तो पहले 15 लाख लगा नहीं लिए तो हमें फिर 15 मिल जाएंगे। लेकिन ये आपके जहन में ये तो नहीं आ रहा कि हमारा 20 का नुकसान ना हो। तो एक मिनट बताइए हमारी दुआ क्या होनी चाहिए, शायद थोड़ी सी बात और आपको पता होनी चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों ने सिर्फ हमारी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं की, वो इस उम्मीद पे होंगे कि और भी लोग आएंगे, उनसे भी पैसे वो 20-20 हज़ार ले जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी सारी मतलब मार्केट कह लें, लाहौर कह लें, इर्द गिर्द इलाके भी मिला लें, पाकिस्तान कह लें, उनके पास बहुत से कस्टमर आएंगे, तो उन सबसे ये इंश्योरेंस प्रीमियम डालेंगे। वो इस उम्मीद पे होंगे कि बस कुछ लोगों के नुकसान होंगे और बहुत से लोगों के नुकसान नहीं होंगे। तो हमारे जो पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से वर्ड बोलूंगा मैं, उसके लिए इनकम हो जाएगी। ये 20-20 हज़ार उनके लिए क्या है, तो ये इकट्ठा करके इनकम हो जाएगी। वो इस उम्मीद पे होंगे कि हमारे ये पैसे ज्यादा होंगे जो हमें मिल रहे हैं, और अगर कुछ लोगों के नुकसान हुए तो उनको जो पैसे देने पड़ेंगे वो कंपेरेटिवली कम होंगे और नेट हमें कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या लॉस भी हो सकता है, तो ये वो रिस्क उठा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करें, वो भी एक बिजनेस कर रहे हैं, वो बहुत से लोगों के एसेट्स इंश्योर करेंगे, उनसे इंश्योरेंस के अगेंस्ट पैसे पकड़ लेंगे। उनकी उम्मीद क्या होगी कि ये जो हम पैसे पकड़ रहे हैं ये ज्यादा होंगे, और जो चंद लोगों के नुकसान होंगे वो हम रिकवर करने और पे करने के बाद भी कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट बना लेंगे। यहाँ तक ठीक है मेरी बात? आप जरा वापस अपनी तरफ आ जाए। हमने 20,000 दे दिया, ये 20,000 जो हमने दिए इसका नॉर्मल तरीका ये होता है कि ये एडवांस में पे होता है। ये हम एडवांस में पे कर रहे होते हैं, तो अब आप जरा करनी अकाउंटेंट बन जाए। इस 20,000 को अगर हम एडवांस में पे कर रहे हो तो क्या ये 20,000 उस वक्त हमारा कोई एसेट होगा या एक्सपेंस होगा? साल के शुरू में दे रहे हैं, क्या ये 20,000 हमें फ्यूचर में कोई फायदा दे सकता है? दे सकता है, क्या फायदा देगा ये? अगर कोई नुकसान हुए तो हमें इसके अगेंस्ट रिकवरी होगी। हाँ मेरी अगले वर्ड सुन, फर्ज करें अल्हम्दुलिल्लाह 31 दिसंबर 2020 रात 11:59 and 30 seconds हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, आखिरी 30 सेकंड रह गए। आपका ये 20,000 किस चीज में कन्वर्ट होने लगा है? ये बात ठीक है? आपकी दुआ क्या हो? मजाक अपनी जगह छोड़ दें सर, एंड में रख लेंगे, क्लास के एंड में अपने याद कराएं, 4:15 के बाद मजाक टाइम स्टार्ट करें। बात आ गई, बहुत मजा ये बातें करते हैं आप, तो आपको मैं माइक पकड़ा दूंगा, मैं उधर बैठ जाऊंगा। मेरे भाई काउंटिंग साथ साथ ठीक है, छोटे बड़े बात हो, मोहल्ला पूरा बीच में इन्वॉल्व हो। आखिरी 30 सेकंड अगर गुजर गए तो क्या ये गेम गई? अल्हम्दुलिल्लाह चलिए बताएं क्या यहाँ एक्सपेंस हो गया? मुझे दो एंट्री करवा दें साल के शुरू में, रेंट में सही अच्छे लफ्ज लगे तो आपको पता है यार, एडवांस इंश्योरेंस के नाम से शुरू में एड होना चाहिए, और इंश्योरेंस एक्सपेंस का वर्ड कब होना चाहिए? एंड में, एंड में। तो यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा, आप बाद में नोट कर दीजिएगा आपके लिए, एडवांस। ठीक है बिल्कुल सही वर्ड है, एक मैंने प्रीपेड भी बोला एडवांस या प्रीपेड, किस नेचर का हेड है ये? एक कैसेट अकाउंट बना एडवांस इंश्योरेंस का है, कैश बाय रुपीज 20,000। जब इस तरह जब मैं लिखता हूँ तो समझ आता है मैंने क्या लिखा। ये मैंने जर्नल एंट्री लिखी है, जर्नल एंट्री क्या होती है, जिसमें डेबिट क्रेडिट हेड्स हों और उसकी तरतीब डेबिट और क्रेडिट फॉर्म हो। एनी कन्फ्यूजन इन दिस एंट्री? ये रेंडा आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, खुदा ना खासा कुछ हो गया, उस पर आता हूँ। जी
एंड में एंट्री हो रही है, कुछ नहीं हुआ, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट एंड एडवांस इंश्योरेंस क्रेडिट और दोबारा कैश क्रेडिट, हमारा वो एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा टाइम गुजरने की वजह से। क्या इस 20,000 का हमें कोई 31 दिसंबर के बाद भी फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा? नहीं, ये एनुअल इंश्योरेंस होती है। अब अगर अगले साल आप दोबारा फायदा उठाना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से ये एग्रीमेंट दोबारा करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये साल के पैसे थे जो साल के एंड में फिर आपके एक्सपेंस हो जाएंगे। एनी कंफ्यूजन है? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? अब बीच में जरा दूसरी बात ले आते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा नुकसान हो जाए। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता हमारा नुकसान हो जाए और लेट्स अज्यूम कि हमारा गाड़ी का जो डैमेज हुआ है, गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो 10 लाख रुपए है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सारी हो जाए। नुकसान का फिर अंदाजा लगाया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले आके देखते हैं कि कितना नुकसान है, आपको दिखाते हैं, एक मिलजुल के कोई अमाउंट एग्री होती है। तो लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए का आपका एक नुकसान हुआ है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से अब रिकवर हो रहा। अब बताएं हमें पैसे मिलेंगे या हमसे और जाएंगे? अब हमें मिलेंगे, तो तकरीबन आप अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटेंट बन गए हैं। अगर पैसे मिलेंगे बाय कैश मिलेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा, और अगर चेक के फॉर्म में मिल गए तो बैंक डेबिट हो जाएगा। सवाल भी पैदा होता है कि अब क्रेडिट क्या होगा? आपको ये पैसे मिले मिलते हुए कैसा अब महसूस हो रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। हमें पैसे जब भी आ रहे हो हमेशा बुरा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉर्मल लोग हैं, मुझे निकाल दें, अपने आप पे गौर करें। पैसे आ रहे हैं, रहने दें, आने दें, तो वो तो आ गए, डेबिट हो गए। अब ये किस, ये पैसे क्या बन रहे हैं? क्या ये पैसे सॉर्ट ऑफ कोई आपकी अब इनकम टाइप चीज नहीं बन रही, या आप इस तरह कह लें हमारे लॉस में कमी टाइप चीज बन रही? देखिए हमारा, ठीक है मैं नहीं कह रहा, क्या हमारा 10 लाख का लॉस हुआ? पहले हमारा 10 लाख का लॉस होगा, क्या लॉस होगा तो क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से? ये क्लेम वर्ड समझ आता है? क्या मतलब क्लेम? लॉस होगा तो हम क्लेम करेंगे भाईजान, अब आपने जो हमें गारंटी दी थी वो दे। तो जो हमारा गाड़ी का लॉस हुआ होगा, चले पहले हम उसकी काउंटिंग करते हैं। रेडी? यस सर। हमारे लॉस की काउंटिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? हमारी गाड़ी टूट गई, सब सफर से डैमेज होगी, तो गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई कम होगी? गाड़ी की वैल्यू कम होगी, तो गाड़ी क्रेडिट हो गई या डेबिट हो गई? एसेट है, गाड़ी क्रेडिट हो गई, कार क्रेडिट हो गई और लॉस डेबिट हो गई। लॉस क्या चीज है? नुकसान है हमारा, एक्सपेंस टाइप चीज है। तो क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा? लॉस तो इधर इज द लॉस ऑफ रुपीज 10,000, सॉरी 1,000,000, बड़ी अमाउंट है। देन बोले जी, बोले सर जी, एंट्री बोले यार, लॉस डेबिट कार क्रेडिट। यहां तक जरा इस करने कोई कर्फ्यू नहीं रखता, क्यों कार क्रेडिट? उसकी वैल्यू कम हो, टूट गई, एक्सीडेंट हो गया खुदा ना खास्ता, आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही सलामत निकला है बाहर, गाड़ी जरा विजुलाइज करें किस हाल में है बेचारे, वैसे ही हाल में है, बढ़ गई कम हो गई? ठीक है, लॉस हो गया, एनी कंफ्यूजन? अब आ जाए अगले, लेट्स अज्यूम क्लेम इज रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, बेटा लॉस इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि कोई भी नुकसान हो जाए लॉस एक्सपेंस हो जाए डेबिट ही होता है। लेट्स अज्यूम इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, नहीं सर जी जाने दें,
इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड से क्या मुराद है? पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। अगर कैश आ गया तो कैश डेबिट, और अगर चेक आ गया तो स्लैश करके लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय नहीं, कह दीजिए इसे कब कैश कब बैंक। कैश रिसीव होगा तो कैश डेबिट, और अगर चेक रिसीव होगा तो बैंक डेबिट। डेबिट ओके, या क्या बढ़ेगा, या क्या बढ़ेगा? नहीं नहीं मैं ये नहीं कर रहा, नहीं मैंने ये शायद बात नहीं की, कर लेंगे बात, दोनों एंगल से कर लेते हैं, या इस करें अगर फंस रहे इस बात से तो मैं बैंक मिटा, फर्ज करें कैश, बाद में वो बैंक वाली बात अलग कर दें। फर्ज करें कैश में 10 लाख हमें वापस मिल गए। अब मेरे अगला वर्ड जरा वापस सुनना, बल्कि यहां से पहले बता दें ओके, कैश डेबिट ओके, जी बेटा ये समझ आ गया, प्लीज लॉस डेबिट क्यों हुआ, डॉट लॉस इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि लॉस एक्सपेंस इसका मेन हेड। जी सर हमारा लॉस कितना हुआ था? 10 लाख। क्या कैश मिलने से हमारा लॉस खत्म नहीं हो गया? नहीं, मेरा ख्याल वो तरीका सही नहीं रहेगा, ये वाला वर्ड जरा मेरा गौर करना। अगर ये हमें क्लेम ना मिलता तो हमारा नुकसान कितना? 10 लाख। और अगर ये क्लेम मिल गया है तो मैं कहता हूँ मेरे इस क्लेम, हमें ये क्लेम मिलने से हमारा लॉस 10 लाख से कम होके 0 हो गया। ये कितने से बड़ा था? डेबिट हुआ था तो पैसे मिलने से ये कितने से कम हो गया, तो क्या करूं इसका? कैश डेबिट एंड लॉस क्रेडिट। दोबारा एक सेकंड, क्या होने से लॉस बड़ा था? डैमेज होने से लॉस बड़ा, और क्या मिलने से लॉस खत्म हो गया है? कैश मिलने से लॉस बड़ा, तो लॉस बड़ा तो डेबिट हो गया, और क्लेम मिलने से लॉस क्रेडिट हुआ तो कम हुआ तो सॉरी क्रेडिट हो गया। व्हाट इज द नेट लॉस नाउ? व्हाट इज द नेट लॉस? 0 नेट। अगर क्लेम ना मिलता तो 10 लाख था, क्लेम मिलने से हमारा लॉस 0। लेकिन एक मिनट, समटाइम्स ये डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है आपस में इंश्योरेंस कंपनी वाले और जो आपने इंश्योरेंस कराई होती है, कि इतने का नुकसान नहीं है, इतने का नुकसान है, इतने का नहीं, इतने का नहीं, हमारे ख्याल में इतने का है, हमारे उनके ख्याल में इतने का है, हमारे ख्याल में 10 लाख का नुकसान है, उनके ख्याल में ज्यादा की बात ना कीजिएगा, वो हम लेंगे भी नहीं, इससे करना पड़ जाएगा। खुदा ना खास गलती से हमें ज्यादा पैसे देने लगे तो मेरे अलावा बाकी सब लोग क्या करेंगे? सीधी सी बात, तो खुदा ना खास चैरिटी की बात होगी, कोई अगर ज्यादा दे रहा होगा तो हम क्यों ले, हमारा बनता ही नहीं मेरे अलावा। असूलन सीधी सी बात, आप नौजवान मासूम से नौजवान है, कोई दो नंबरी ना तो कभी जिंदगी में की है, ना प्लान है, ना कभी ऐसा है, लेकिन मेरे जैसे बस बंदे देख देख के जरा दो नंबरी समझना जरूरी, क्योंकि दुनिया की हकीकत जरा कुछ और है। क्या इस माशाल्लाह इस सारे मोहल्ले में जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं अदरवाइज भी, आपका तो कोई प्लान ऐसा नहीं है, तब्दीली आ चुकी है सर, चेंज आ चुका, तो आप लोगों को बस पता ही होना चाहिए कि हम जैसे लोगों ने आपके इस मुल्क के साथ जुल्म किया, क्या क्या हुआ, इसलिए मैं वो साथ साथ बताता रहता हूँ, पता होना चाहिए ताकि कोई गलत काम कर रहा हो उसे पकड़ा जा सके, सिंपल इज दैट, ठीक है सर। तो अगर वो ज्यादा की बात तो करूंगा नहीं मैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है इंश्योरेंस क्लेम लॉस से कम मिल सकता है, बहस होती है तो बहस हम वैसे भी पैसों के मामले में ज्यादा करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्या फायदा बहस बुहस का। फर्ज करें अगर 9 लाख मिलता, 10 की बजाय 9 मिलता, लॉस 10 ही है, 9 मिले तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री यही रहेगी, एंट्री बोले ना, जरा एंट्री बोला करें। लेकिन अगर ये अमाउंट 9 लाख हो गई तो क्या इसका मतलब नेट लॉस अभी भी लाख है? तो एंट्री बड़ा यही रहेगी, अगर क्लेम इज लेस देन द लॉस तो नेट लॉस बच जाएगा, और अगर किसी वजह से मेरे जैसे बंदे ने ज्यादा पकड़ के लिए हैं वापस नहीं करने तो एक्स्ट्रा मिलने की वजह से फिर अदर इनकम टाइप चीज भी हो सकती है, अदर इनकम प्रॉफिट बाद में आता है, मैंने वो एक्सपेंसेस में से लेस करके आखिरी आंसर का नाम प्रॉफिट है,
ये अदर इनकम वर्ड को समझ आया, ये अदर इनकम के बोला मैंने, इसे नॉर्मल इनकम की नहीं बोला, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह ना करे हमारा यही कारोबार हो, अदर अदर देन सेल अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे आ गए, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन इज अल्लाह करे पूरे मिल जाए, अगर कम मिले तो नेट लॉस रह जाएगा, और अगर ज्यादा मिल जाए तो अदर इनकम बन सकती है। लेकिन आप इससे पहले लिखने की कोशिश करें यहां तक, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आखिरी चीज आप ये सुना है, सर डैमेज हुआ था गाड़ी, गाड़ी टूट गई सर, लॉस हुआ, इनकम लग रही है। सर जी आप जिस स्टेज पे अब अकाउंटिंग में पहुंच गए हैं, अब ये सवाल आप मेरी तरफ से होंगे, आपका दिल क्या कहता है, लॉस क्या है? मेरा ख्याल ये एसेट है, मुझे लग रहा है ये कैपिटल निकलाना, लायबिलिटी बना ही बनना, ये वही है सर। आपका दिल क्या गवाही देता है? दिल की मांगने से कोई भी गुमराह करे, मेरे जैसा या कोई भी और, अपने दिल की आवाज आपने सुननी है। 10 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है आपके लिए, अकाउंटिंग सेंस आपको आ गई है, बाकी मेरा काम सिर्फ ये है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। 5 मेन हेड्स हैं, उसी के अंदर घूमते फिरते रहना, ठीक है सर। लेट मी फिनिश। अच्छा बेटा, अगर क्लेम मिल भी गया है तो आए जरा वो 20,000 जो हमने शुरू में दिया था, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर ये लॉस वगैरह हुआ, ये क्लेम फ्लेम मिल गया, क्या वो 20,000 जब साल एंड होगा तो फाइनली वो खत्म हो जाएगा? क्या उसी की वजह से ये फायदा मिला हमें? लेकिन अब साल एंड हो गया, अगर कोई फर्दर नुकसान हुआ फ्यूचर में, तो क्या यही 20,000 हमें फ्यूचर में भी फायदा देंगे? उसके लिए भी दोबारा प्रीमियम वगैरह पे करने पड़ेंगे, इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो 20,000 हमने पे किए है, उससे हमारा एक्सपेंस बन ही जाना है। यहाँ तक बात सारी क्लियर होगी? अब आप पहले इसको नोट करें, फिर मैं क्वेश्चन में आता हूँ, क्वेश्चन में क्या मसला करता है। अब सारी स्टोरी आप कहाँ से लिखनी है, अभी सारी लिख सकते, बल्कि पहले यहाँ तक लिखने पर जो नीचे रह जाएगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, बाद में फिर मैं नीचे कर देता हूँ, नोट कर लेना। बैठे सर, बैठे सर, सर जी उसकी रिपेयर हो जाएगी ना, हम गाड़ी की रिपेयर करवा लेंगे, रिपेयर जब करवाएंगे तो दोबारा फिर एक एंट्री बनेगी, अभी तो पैसे आ गए ना, तो इंशाल्लाह फिर वो भी हो। सर जी एंट्री वही रहेगी लेकिन अमाउंट 9 लाख, सर जी नेट खुद होगा ही, अगर आप अकाउंटेंट लॉस को 10 लाख से डेबिट कर लें और आप अकाउंटेंट लॉस को 9 लाख से क्रेडिट भी कर लें, तो आपकी जो चीज जहन से निकली है वही है, क्या लॉस का भी कोई लेजर होगा? सर जी मेरी एंट्रीज को देख के बता रही, लॉस का कोई लेजर होगा सर? हर अकाउंटिंग हेड का लेजर होगा, तो लॉस के लेजर में डेबिट साइड पे 10 लाख लिखा होगा, क्रेडिट साइड पे 9 लाख लिखा होगा, और क्या बैलेंसिंग फिगर वही आ जाएगी तो होनी चाहिए? तो बेटा वो बैलेंस निकालना लेजर का काम होता है, तो अगर आप एंट्री कर लेंगे तो इंशाल्लाह बैलेंसिंग कोई इशू नहीं। नहीं सर जी, अब वो एडवांस तो साल के एंड में खत्म होना ही है, वो नहीं होगा, वो 20,000 में दिया था, उसकी वजह से जो भी हमें फायदा फूदा मिलना था या नहीं मिलना था वो मिल गया, साल जब एंड आ जाएगा उसके बाद अगर दोबारा नुकसान हुआ तो ये 20,000 तो दोबारा फायदा नहीं ना देगा, फिर दोबारा पे करना, इसने तो खर्चा होना ही है, इस खर्चे की वजह से ही तो हमें वो क्लेम मिला, तो इसका फायदा हमें अगर मिल भी गया ड्यूरिंग द ईयर, तो आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर इस 20 ने फायदा नहीं देना, वो हमें दोबारा पे करना पड़ेगा अगले साल का, तो ये खत्म हो जाएगा, अगला दोबारा एसेट बन जाएगा, अगर आप नेक्स्ट ईयर के एंगल से सोचते हैं। अल्लाह ना करे सर, होने को 5 दफा कर ले, लेकिन आपकी दुआ क्या होगी? देख नहीं ये सोचना, अच्छा दुआ वाली बात बीच में, ये अपने डिसाइड करना, ये लिखे लिखा है। एक मिनट, आप लोग प्लीज नोट करके खत्म करें बात। बेटा लेजर हर अकाउंटिंग हेड के नाम से बनता है, इस तरह के क्वेश्चंस अब मेरा ख्याल है कि गलत तरफ है, इस तरह ना करें प्लीज, लेजर कभी भी इस तरह ना किया करें, ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, गलत इन सेंस के अच्छा नहीं लगा मुझे,
अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम इतने बड़े बेटा हो चुके हैं, हर अकाउंटिंग हेड का क्या लेजर अलग होता है? तो क्या एक हर हर लेजर हर एक्सपेंस को हमने बस एक्सपेंस के लेजर के अंदर लिखा हुआ है, या सैलरी एक्सपेंस अलग है, रेंट एक्सपेंस अलग है? तो बेटा हर लेजर अलग होगा, जस्ट लाइक एनी अदर लेजर। लॉस का लेजर अलग होगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अरे क्या होगा? तो हर जिस तरह हर अकाउंटिंग हेड का लेजर अलग होगा, इस तरह यहां भी मैं जब मैंने नया हेड यूज किया अगर लॉस, तो ये लॉस एक अलग लेजर का नाम है, ठीक है? इसका एक अलग से लेजर बनेगा। लोगों की भी इंश्योरेंस होती है, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन उस केस में पैसे मिलते किसको हैं? कॉन्सेप्ट यही है, बंदा गया सर, लेकिन वो बंदे के पैसे किसको मिलते हैं? वो ये कहते हैं कि इस साल इंशाल्लाह आप नहीं जाएंगे, अगर आप इस साल गए तो हम आपके लवाहिकीन को इतना देते हैं। क्या बेटा, अगर आप ठंडे दिल से सोचे तो पूरा देखें, लॉस डेबिट कार्ड क्रेडिट, व्हाट इज मीन, व्हाट डज इट मीन? सही मो, सिर्फ एक ठंडे दिल से दोबारा देख लीजिए, लॉस डेबिट भी है, कार क्रेडिट भी है, बताएं किस चीज का लॉस है? बाकी अगर आप लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, लॉस ऑफ दैट। जी सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं इसका क्या करें? 20,000 का आपका दिल क्या करता है? ये वापस हो जाए, आपका दिल क्या करता है? ये कोई मोहल्ले ने तो नहीं कहा सवाल पूछ, और मोहल्ले के फ्रेंड्स करने का मोस्ट लेफ्ट हैंड दोनों सबके खाली हैं, सारे मोहल्ले के दोस्त हैं, सवाल भाई नहीं नहीं हाथ रखा, महसूस हो, बल्कि बस दूसरा भी खाली है, क्यों खाली जी बेटा? आप बताएं 20,000 रुपीज का क्या करें? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल कुछ नहीं हुआ, तो अब अगर अगले साल कुछ हो भी गया तो इस 20 ने कोई फायदा नहीं देना। मैंने क्या कहा था, बेनिफिट हैज बीन ऑब्टेन, तो अब इसका जो भी मिलना था मिल गया, तो बगैर बेनिफिट मिले गया हो गया, क्या इसका जो फायदा मिलना था मिल गया? तो वही कह रहा हूँ ना, फिर भी इसका जो फायदा मिलना था मिल गया, कंसंट्रेशन से सोचा, फिर इसका कोई फायदा नहीं मिलना था और वो नहीं मिला, ये ठीक है मेरे वर्ड समझ आते हैं? जो फायदा मिलना था वो मिल गया, यानी कि कुछ भी नहीं मिला तो अब ये भी मिल गया, नहीं बात बना सर जी? बस इसके बाद हमें फर्दर इंश्योरेंस की अब कोई जरूरत नहीं, इंश्योरेंस कम्प्लीट कर सकते। वो बेटा थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे तो समझ आएगा, इस समय फिलहाल बस तकरीबन वो सेम है, लेकिन उसमें क्या साइंस है वो भी शायद थोड़ी सी मुश्किल। जी जुबैर साहब, बेटा वो वही होगा जो मैंने पहले कहा, तो आप कंसंट्रेशन से इंशाल्लाह सुनेंगे तो ये बातें फाइनल हो जाएंगी। जी एहतशाम साहब, बेटा ये वही बात है, तो आप इंशाल्लाह कल से क्लास पर टाइम पे आएंगे तो ये बात भी आपको पता चल जाएगी, और इस मासूमियत को छोड़ें, जो हमने पैसे दिए थे वो रिस्क के लिए दिए थे, अगर हमें लॉस नहीं हुआ तो ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी के होंगे, तो डेफिनेटली ये पैसे वापस आने वाली बात हुई, ये नोट करिए सबने। अभी ये बातें जरा थोड़ी सी आपके लिए हवा में हो जाएंगी, तो ऐसे ही ये डियर ऑनलाइन स्टूडेंट से लिखिए, आप लोगों ने लिखे हुए नोट करिए सबने, जो ये कोई लिखते नहीं रहा प्लीज। चले सर जी वापिस आ रही, तो ये बात हुई थी इसका मकसद क्या था, इंश्योरेंस का एक वर्ड आ गया था हमारे पास, उसको जरा समझ के फाइनल करें, एक इंश्योरेंस लफ्ज आ गया था हमारे में। अब देखें ये जो लफ्ज एक आया हमारे पास, मैंने जो चंद एक बातें आपके सामने पूछी हैं, सॉरी आपसे के सामने रखी हैं, ये इंश्योरेंस के सामने एक अमाउंट आ रही है, आप अपना पेज देखिएगा, इंश्योरेंस के सामने एक अमाउंट आ रही है, ये डेबिट अमाउंट आ रही है,
मेरा सवाल जरा गौर से सुनना है। यकीनन मैंने आपको समझाते हुए ये भी बताया कि ये इंश्योरेंस एडवांस भी हो सकती है, और साथ ये भी बताया आपको कि जब साल एंड हो जाता तो ये इंश्योरेंस के पैसे एक्सपेंस भी बन जाता है। तो अब आपके सामने सिर्फ लिखा है इंश्योरेंस, ये क्या और क्या हो सकता है? ये एसेट भी हो सकता है एडवांस के नाम से, तब भी इसकी अमाउंट डेबिट ही होगी। ये भी क्लियर करें जरा, चाहे एसेट हो डेबिट अमाउंट होगी, और चाहे ये एक्सपेंस हो तब भी ये डेबिट अमाउंट होगी। ये पता है सबको? अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये लिखा नहीं होगा। क्या नहीं लिखा हुआ? कि ये एडवांस है। अगर फर्स्ट इस वर्ड कोई लिख देता प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस, फिर हम इसे उठा के कहाँ लिखते हैं? एसेट। अगर ये लिख देता इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो हम एक्सपेंसेस में लिख देते, ठीक है। अगर ना लिखा हो तो बस इसका एक छोटा सा फाइनली वर्ड में रखना है, अगर ये ना लिखा हो तो, क्योंकि एक ऊपर देखें जरा, ट्रायल बैलेंस एंड में बना हुआ है, साल के एंड में, ईयर एंडेड बना हुआ है। तो अगर ना लिखा हो तो आप इसे बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस समझ लें, ब्रैकेट में ही लिखें। अब हो सकता है, वैसे आप लोगों ने क्या ट्रीटमेंट किया था, मेरा ख्याल यही वाला किया होगा, लेकिन अगर किसी के जेहन में ये बातें आई हों जो मैंने बोली हैं, तो आई होप कि बात क्लियर हो गई। तो ये खुदा ना खासा ये मकसद नहीं होता है कि गलती हुई है तो वो क्यों हुई है, मकसद ये नहीं हमारा। अगर कोई डिफरेंट आपने लिखा है तो उसको करेक्ट करना मेरा मकसद है, ठीक है। तो मिस्टेक्स होना इशू नहीं है, मिस्टेक्स को ठीक कर लेना चाहिए, उस पर कोई ऐसे टेंशन ना मुझे खुदा ना खासा होनी चाहिए और आपको भी नहीं होनी चाहिए। वी आर इन अ लर्निंग फेज, और हमारी लर्निंग तो अभी बहुत इनिशियल फेज पे, ठीक है सर। मैंने इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, क्वेश्चन का आंसर मैं आपके सामने रखना इसलिए है ताकि आप थोड़ा कंपेयर कर लें, ठीक है ना सॉल्व। मैं सब फिगर्स मैच कर लें, मेन मेन फिगर्स कम अज कम, और प्लीज जरूर सॉल्व किया करें। जस्ट जस्ट एक ग्रॉस प्रॉफिट बता दें कितना, ये आंसर आपके सामने आता रहेगा। बेहतर तो ये कि आप टिकटॉक लगाते रहे, लेकिन कम से कम हमेशा मेन फिगर्स देखें, और किसी का अगर गलत है तो काइंडली मैं सब मैच करना। ये 141,798, ओके सर। कोई कंफ्यूजन? सेल रिटर्न नहीं थी इसलिए वाइज इट इज। देन उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सम बना है 777,722, और नेट प्रॉफिट बना है, अगर किसी का डिफरेंट है तो मैं जरा एक मिनट रुक जाता हूँ, आप कहीं जरा अपनी मैच फिगर्स मैच कर लें, हो सकता है इंश्योरेंस बीच में ना हो, ऑल्टरनेटिव भी आपने इंश्योरेंस बाकी चेक करने पर, अगर किसी की कोई मिस्टेक है मुझसे पूछ ले। जी यशवंत साहब, ऐसी बात हुई बेटा, जो अमाउंट एसेट, जो अमाउंट हमने साल के शुरू में पे की थी उसका फायदा फ्यूचर में मिलना था, उस वक्त वैसेट थी, और बाद में वो अमाउंट एक्सपेंस बन जाएगी क्योंकि ईयर एंड आ गया, ठीक है मिस्टर अस्पन्द्र। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? सर नहीं, अब ये ना बता, ये भाई ने जो बात की है उस पे आए जरा, ये आपको मैंने कभी नहीं कहा, ये मेरे वर्ड सुनिएगा सर और सर सर, ये मैंने कभी आपको जिंदगी में नहीं कहा कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाने का मतलब और बैलेंस शीट मैच हो जाने का मतलब ये है कि हमारा सवाल ठीक है। मैंने कहा क्या है वो मैं अल्फाज दोहराता हूँ कि इनको मैच होना चाहिए। क्या ये मैच होने का मतलब ये ठीक हो गया है? ये जरूरी नहीं है। मसलन मैच होने का बड़ा मतलब सिर्फ ये है कि डेबिट क्रेडिट जो किया हमने वो ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है हमने डेबिट क्रेडिट किया ही गलत हो, तो इसलिए मैच तो हो जाएगा लेकिन वो जरूरी नहीं कि ठीक हो। क्या वजह है? एक मिनट बोलो देखें और बहुत गौर से जरा देखिएगा। मैंने आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस बनाने की ख्वाहिश की है, ये ट्रायल बैलेंस पता किसी का? सर जी बताया सर, इसमें काफी हेड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट कॉलम होता है, क्या इन दोनों कॉलम्स का टोटल मैच होता? हमेशा होना चाहिए, लेकिन सही डेबिट क्रेडिट की तरह। आप जरा मुझे क्रेडिट परचेज की एंट्री सुनाए सर, क्रेडिट परचेज की एंट्री, क्रेडिट डेबिट परचेज क्रेडिट, मैंने कहा क्रेडिट परचेज,
परचेज इज डेबिट, क्रेडिट बोर्ड में देखिएगा, परचेजेस फॉर एग्जांपल 1 लाख की अमाउंट थी, परचेजेस डेबिट, क्रेडिट और क्रेडिट, सही किया मैंने, मैंने बिल्कुल उलट किया, क्या डेबिट होना चाहिए था क्या क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन मैंने बिल्कुल ऑपोजिट किया, लेकिन क्या मेरा ट्रायल रिकंसाइल्ड है? तो अभी बेटा हम इनिशियली हम फिलहाल एक मासूम से अकाउंटेंट बने जिन्हें ये पता चल गया कि ट्रायल डली होता है। अगला स्टेप अब हमारा ये होगा कि क्या ये ट्रायल सही डेबिट क्रेडिट की वजह से टैली है या खुदा ना खासा इस जुर्म की वजह से टैली है। तो इस जुर्म तक पहुंचना अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, कैसे मैच होना चाहिए लेकिन जुर्म से नहीं, सही तरीके से। तो आपका खुदा ना खासा कुछ जुर्म नहीं है, वो मैंने क्योंकि चीज बताई नहीं थी इसलिए आपने वहां लिखी है, देयरफॉर आपका मैच इसलिए हो गया क्योंकि आपने किया वही है जो करना था। वो क्या था कि आपने एक्सपेंसेस में डेबिट करने की बजाय एसेट्स में डेबिट कर दिया, तो किया आपने डेबिट हुई, तो इधर की बजाय उधर कर दें, टैली तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये सही टैली हो गया, ये भी अब हमने सीखना है कि कैसे पता चले। ठीक है, टैली होना चाहिए, क्या क्या मैच होना चाहिए, ये टैली वर्ड समझ आता है? मैं भी लगा हूं, ट्रायल की दोनों साइड का टोटल मैच होना मीन्स टैली हो रहा है, बैलेंस शीट कौन कौन सी फिगर मैच होती है, सही बोलिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी फिगर्स मैच होती हैं, एसेट्स का सम कैपिटल एंड लायबिलिटी से मैच होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स क्या होता है मिस्टेक के बावजूद टैली हो जाता है, तो मिस्टेक्स के बगैर टैली होना चाहिए। ठीक है, तो बारे में मैंने एक छोटी सी एग्जांपल अभी आपको दी है, तो ये अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ एरर्स हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप जैसे जैसे बड़े होंगे एरर्स को ठीक करना भी आप नौजवानों ही का काम है। तो फाइनली प्रॉफिट, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज फिगर्स, इसको फाइनली जरा मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मैच करना, एसेट्स का संग क्या बना है बाद में ठीक कर लीजिएगा, आप इस वक्त रहने दें आराम से बाद में ठीक कर लीजिएगा, 262 142, ठीक है, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड पर देख लें, फिगर्स का मैच कर देख लें, बहरहाल एसेट्स देख लें लाइबिलिटीज देख लें, पहले एसेट्स चेक कर लें। और ये वाली बात तो मैंने कल की थी कि ओपनिंग स्टॉक एसेट था, अगला बोले परचेजिंग एसेट थी और क्लोजिंग स्टॉक अब एसेट है, तो मैंने क्या क्या नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा, ना मैंने ओपनिंग लिखा, क्यों नहीं लिखा, ओपनिंग स्टॉक एसेट नहीं है, अब नहीं है, परचेजिंग एसेट नहीं है, कब जब खरीदी तो पूरी एसेट थी, लेकिन जब साल गुजर गया तो सिर्फ वो एसेट रह गई जो बच गई, और जो बच जाए परचेजेस वो किस नाम से आती हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से आती है। बहरहाल कोई और कंफ्यूजन रहेगी तो बता दो, मैं आगे चलते हैं। वो आपके पास जो पेज था उसमें एक तीसरा सवाल भी था, वो मैंने परसों मेरा लगा था सर, वो परसों वाला पेज सर, ना इसमें नहीं तीसरा, ये क्या बात कर रहे, वो वाला सर, वो वाला जिसके दो आपने मुझे सॉल्व करके दिए थे और तीसरा आपने कल घर से करके लाना था, लेकिन अपने रजिस्टर पे मुझे नहीं देना, वो याद रहा है या तीसरा कि नहीं, ये एनी कंफ्यूजन सर, ये अच्छी बात है बेटा, अगर थर्ड भी कर लिया है वी नीड प्रैक्टिस। जब मैं देखे वर्ड्स बोलता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल सर जी बात करें कि क्रेडिट परचेज की एंट्री सुनाए, क्रेडिट सेल की एंट्री सुनाए, तो अब ये टिप्स पे आनी चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन कितने पैसेज ऑफ टाइम, एज अर्ली एज पॉसिबल, तो व्हाट इज द एज अर्ली एज पॉसिबल, नया पेज निकाला सर, ये बेटा अस्फंद यार हसन साहब, ये बेटा इस तरह के क्वेश्चंस मेरा ख्याल बड़ी, अब से क्या बोला जाए,
क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अदर एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, मतलब क्या वजह, मतलब मेरा भी एक सवाल आखिर वजह ये मिस्टर असमन वजह। अच्छी भली चीज लिख ली है, क्या वो लिख सकते हैं वजह ये भाई। वैसे जी न्यू पेज सर इन फ्रंट ऑफ यू रेडी है सर। एक स्टोरी से एक स्टोरी सुने पहले, एक नई चीज आपके सामने आ जा रही है। लेट्स सी बेटा, आपने कोई चीज 10,000 रुपए की खरीदी, बस करें लेट्स अज्यूम आपने कोई चीज जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपया थी उसको खरीदा और अब आप उसे बेचना चाह रहे हो, तो कॉस्ट भी बेच देंगे, क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बनाएंगे और फिर बेचेंगे, सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे। तो कॉस्ट से सेलिंग प्राइस तक कैसे है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस क्यों होगा। 15 लाख की गाड़ी नहीं थी कुछ दिन पहले और 17,50,000 का बेच रहे थे, तो 15 लाख से 17,50,000 कैसे, क्या क्या हुआ बीच में, प्रॉफिट जमा किया रहता, तो कॉस्ट से सेल प्राइस कैसे बनती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। फिगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सपोज 10,000 रुपए की थी, आपने 2,000 प्रॉफिट रखा और 12,000 सेल प्राइस डिटरमिन कर ली। एनी कंफ्यूजन, लिखे पहली 3 लाइनों में खुला खुला लिखेगा, एक स्टोरी बनानी है। तो सेल प्राइस डिटरमिन करने का तरीका सिंपली क्या हुआ था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। एनी कंफ्यूजन, देन अब अगला सवाल, आपने शायद क्यूम्स वगैरह में इस तरह की चीजें पढ़ी हो, थोड़ी सी हमें अकाउंटिंग में भी जरूरत है। अगला सवाल आपसे ये है कि मैंने जब प्रॉफिट ऐड किया 2000, ये मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट ऐड किए, मैं एक मिनट डाटा देख रहा, ये 2000% है, 2000 रुपये है, 10,000 रुपये, 2000 रुपये, 12,000 रुपये। मैंने एक सवाल आप क्या किया कि मेरा ये 2000 प्रॉफिट कितने परसेंट प्रॉफिट है। ठीक है, आप बिजनेसमैन है तो आप बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन आपको पता होना चाहिए कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कैलकुलेटर है आपके पास, कैलकुलेटर का निकाल कर रखो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि आपका वर्किंग आपने कर ली है, मैंने कहा रख ले, मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करवा दी, ये आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अगर आप कैलकुलेटर पे करके दिखाना चाहें या अदरवाइज, मुझे तो जवाब चाहिए। कितने लोगों का ख्याल है कि 20% प्रॉफिट, ये हुई ना भाई की बात, भाई की बात असल बात ही है, तो मैंने इसी का जवाब दिया, लेकिन इन नौजवानों ने जज्बातियों की जो बात की है, पहले इनके साथ 5-10 मिनट मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने एक आइडिया लेना है कि किन हजरात ने 20% कहा है, तो मुझे आइडिया हो रही है कि हजरात ने 20% पाया, तो भाई हाथ उठा रहे हैं, जिन हजरात ने 20% पर लगाया, उन हजरात ने किया क्या है, उन हजरात ने 2000 देखा, आपने गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन होपफुली आपने ये किया है जो मैं अभी बताने लगा, आपने 2000 रुपए को देखा है और बाद में आपने 10,000 देखा है,
इसके अलावा तो कोई और जादू नहीं किया, आपने ये किया तो आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन जो आपने किया है उसी को मैंने पहले एक्सप्लेन करना। आपने ये जो 20% फाइंड आउट किए, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ कंडी पहले होल्ड ऑन रिलैक्स, आपने जो 20% मुझे बोला है वो बेसिकली इस तरह से आया कि आपने 2000 लिए और उसे 10,000 से डिवाइड किया है और फिर 100 से मल्टीप्लाई भी किया। अब चेक करने आपका आंसर, जिन्होंने 20% बोला है ऐसे आया, जरा चेक करने 20,000 डिवाइड बाय 1 लाइक सॉरी डिवाइड बाय 10,000 इनटू 100, बस करें आता है 20, सबका 20 आ गया सर। ये 20% हमने इसीलिए बोला है क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज ये आंसर आ रहा था, कैलकुलेटर यूज करें प्लीज, 20,000 लिखें, मैं नहीं लिखूंगा, डिवाइड का निशान ढूंढे, सिर्फ 10,000 से डिवाइड करके इज इक्वल टू दबाएं, ये तो 0.2 था, तो आपने जो 20 बनाया है वो 100 से जरब दे के बनाया, मल्टीप्लाई करके बनाया, देयरफॉर परसेंटेज का वर्ड हमने साफ लिखा। अब आपने जो किए बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने प्रॉफिट की परसेंटेज मुझे कॉस्ट की बेस पे बताई, ये बेस का मैं वर्ड यूज करूंगा बार बार, बेस का मतलब है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने प्रॉफिट उठाया है और कॉस्ट से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, तो ये जो 20% आया है इसे ऐसे बोलना चाहिए, प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, मेरा समझ ठीक है? प्रॉफिट इज 20% ऑफ, सॉरी सही नहीं, ऑफ कॉस्ट। ऑफ कॉस्ट क्यों? क्योंकि हमने बेस कॉस्ट को बनाया, मेक इट सिंपल, मेक द थिंग सिंपल। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का एक तरीका क्या होता है कि आप कॉस्ट की बेस पे परसेंटेज निकाल लो, लेकिन अगर आप चाहें एज अ बिजनेसमैन तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने सेल की बेस पे कितने परसेंट कमाया। लेट मी रिपीट माय वर्ड्स, क्या प्रॉफिट 2000 ही है? और सर ये प्रॉफिट 2000 ही है सर, कॉस्ट 10,000 ही है सर, सेल प्राइस 12,000 ही है सर। लेकिन अगर आप परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, तो उसको फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, प्रॉफिट को कॉस्ट की बेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ऑल्टरनेटिवली प्रॉफिट को सेल प्राइस की बेस पे भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सेल प्राइस की बेस पे कन्वर्ट करेंगे तो फिर जो भी परसेंटेज आएगी वो ऑफ सेल कहलाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है ऑफ सेल है? बेस की बेस पर, बेस से समझ आ रहा है सबको? बेस मीन्स जिसे आप डिवाइड कर, आपने यकीन है ये बातें पहले सुनी हुई है, कुछ आवाजें आ रही हैं, लेकिन अल्लाह करे आपको पुरानी बातें सही याद हो, तो ये नहीं कि वो याद नहीं और ये देखना नहीं, मेरा भी तसल्ली से सुन लें, अगर वही निकला तो ठीक है और अगर वो सही याद नहीं है तो प्लीज बिलीव मी, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देख मैं आपकी तरफ ना हूं, मैं बोल सबसे रहा हूं, अब ये ना हो ये तो आता है, चेक कर लीजिएगा क्या मैं सही बता रहा हूँ। नहीं मैंने, मैं बोलता हूँ, मैं पूरी बात करूँ राइट साइड, क्या ये भी तरीका हो सकता है? 2000 बोले जी डिवाइड बाय 12,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट को सेल की बेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट अगर मैंने करना है तो आपके पास कैलकुलेटर है, प्लीज सॉल्व कर दो। 16.6 पे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, बात हमारी शायद नहीं भी अगर हुई तो आज से ऑनवर्ड्स कभी भी अगर हमारा आंसर पॉइंट्स में आ रहा होगा तो हम मैक्सिमम दो डिजिट्स पे जाकर उसको राउंड ऑफ करके बात बिल्कुल खत्म कर देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ सबको आती है सर? yes, मैंने सही राउंड ऑफ किया है सर, yes, तो आपने भी कभी मुझे गलत नहीं करना। लेकिन मैं इसके साथ कुछ लिखना चाहता हूँ ऑफ लगा के, बताएं क्या लिखूं? ऑफ सेल्स, आई मीन 16.67% ऑफ सेल्स को क्या ऐसे लिख सकता हूँ फाइनली कि माई प्रॉफिट इज 16.67% ऑफ सेल। एक आखिरी सवाल इससे पहले कि आप लिखें, ये परसेंटेज डिफरेंट क्यों है? क्या अमाउंट के डिफरेंट होने से, प्रॉफिट की अमाउंट डिफरेंट होने से नहीं, बेस की अमाउंट पर। प्रॉफिट वही 2000 है, वही मासूम बेचारा 2000 है, उसको अगर कॉस्ट के एंगल से देखेंगे तो वो कॉस्ट के एंगल से 20% है,
उसको अगर सेल्स के एंगल से देखेंगे, उसी इस 2000 को सेल्स के एंगल से देखेंगे तो बेस डिफरेंट होने से परसेंटेज में चेंज आ रहा है। तो हमें दोनों तरीके आने चाहिए, एग्जामिनर फिर जिस तरीके से हमसे कहेगा हम उस तरह से वर्किंग कर लेंगे। लेकिन अब आपने करना यह है कि जिस तरह सेंटर मैंने एक लाइन लगाई है अपना पेज समझें, आप भी सेंटर में एक लाइन लगा लें और लेफ्ट और राइट साइड पर इस तरह लिखिएगा, मैंने जरा ये लाइन फर्दर एक्सटेंड करनी है, और चंद बातें करनी है, ये लिख लीजिएगा। आप एक लफ्ज बोल रहे हैं, मैंने भी वो बोलना है, लेकिन एक मिनट। जी कांडी रखते रहेंगे तो बताते रहिएगा प्लीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं, आप तो चले नजर आ जाएंगे लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स का। क्या हुआ सर, बंद कराना? अब्दुलरहमान आज नजर नहीं आ रहा। अब्दुलरहमान सर, सर जरा बच्चों ये कह रहे हैं ऐसी बंद, सर ही कर रहे आने तो कभी जा रहे। अच्छा, आप लोगों के जहन में जो एक सवाल है, जो शायद मेरे कल परसों बात हुई है, तो कोई अनड्यू छुट्टी तो बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अल्लाह करे कि हम मजबूरन ये कमिंग संडे और ट्यूसडे शायद ऑफ कर रहे हो, लेकिन मंडे का तो सवाल ही बता रहे हो ये, अगर हम सैंडविच के चक्कर में पड़ गए तो नेक्स्ट संडे भी सैंडविच हो रहा है, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दरमियान, सैटरडे के दरमियान, तो क्या ख्याल है फिर एक हफ्ता ना हो जाए तो ये सैंडविच का चक्कर जहन से निकाल दीजिएगा। मुश्किल शायद ये आप इस तरह समझिए, जो कमिंग संडे है और नेक्स्ट ट्यूसडे है मेरा, एक दरमियान में है ना, तो ये हमारी आखिरी छुट्टियों में से छुट्टियां हैं, तो सैंडविच वाली बात नहीं है। हाँ ये जरूर है, मैं अगर आप घर जाना चाहें तो मैं आपको नहीं रोक सकूंगा, लेकिन आप जहां भी होंगे वो बात हमारी हो चुकी है, 2 से 4 या 4:30, 4:45 एंड सो ऑन डॉटेड लाइंस। तो मेरी आवाज इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो आएगी, और होपफुली आप वो आवाज रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप वो भी करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है तो रोक तो मैं नहीं सकूंगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये रहेगी कि आप लोगों ने जिस जज्बे से फिजिकल क्लासेस में एडमिशन लिया है तो ये क्लास आपका इंतजार करेगी अगर आप आना चाहेंगे, ठीक है सर। लेकिन जहां भी आप होंगे इंशाल्लाह मेरी आवाज आपका पीछा करेगी, ठीक है सर। तो कांडी ये लास्ट, ये मेरी बीच वाली बात से निकालना दीजिएगा, इस खुशी में कि ट्यूसडे छुट्टी है, कि आखिरी छुट्टियों में से एक छुट्टी खत्म हो गई है, तो उसके बाद देखी जाएगी दिसंबर, जिंदगी रही तो फैसला तब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम क्या क्या कुछ कर चुके हैं, तो दिसंबर तो अभी बहुत, सर्दियों की छुट्टियां तो हो चुकी हैं, आप बल्कि ये अज्यूम करें कि हम हॉलीडेज में समर कैंप नहीं, सर विंटर कैंप लगा के पढ़ रहे हैं, मेरा ये बात बस इस तरह खत्म हो जाएगी उसको छोड़ें सर, अपने दिल की आवाज उस तक उसमें से ना निकालने की कोशिश करें। ये डियर आगे चले सर, ये बात बस, अब चैप्टर क्लोज हो गया सर या बोर्ड पे दोबारा? जी सर, लेफ्ट साइड पे देखना बोर्ड पर। मैंने भी एक छोटा सा फार्मूला बनाया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स,
उसकी एक एब्रीविएशन सॉर्ट ऑफ बना रहा हूँ ताकि टाइम जरा बच सके, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। एक दफा बोल देना क्या ये सी पी एस। देखिए बेटा, आप बात जो समझने वाली वो ये है कि यहां मैंने लिखा है 20% ऑफ कॉस्ट और नीचे थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दिया, प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट। आपको ये पता है कि अगर हम लिख रहे हैं 20% तो बेसिकली मैथमेटिकली मीन्स ये 20/100 है। पता है सर? अगर मैं 16.67 लिख रहा हूँ तो क्या वो भी डिवाइड बाय 100 है? अगर किसी को ये कंफ्यूजन है तो पहले ये बता दीजिएगा, 20% हो, 10% हो, 5% हो, परसेंट जब हम लगाते हैं तो वो डिवाइड बाय 100 है। आई होप कि मैंने ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट किया, आपको पता है। अगर आपको ये पता है कि 20% ऑफ कॉस्ट तो 20/100 है, 20/100 लेफ्ट साइड पे मेरी डिस्कशन है, तो मुझे बताएंगे व्हाट इज 20 एंड व्हाट इज 100? 20/100 है, नहीं 20% है। हम कह रहे हैं 20%, तो इसी तरह ही है ना। तो परसेंटेज में क्या 20 है तो क्या परसेंटेज में 100 है? प्रॉफिट परसेंटेज में अगर 20 है तो कॉस्ट परसेंटेज में 100। 20/100 है वो, ठीक है। आप देख रहे हैं जो आपके जेन में और चीजें हैं, हमने लिखा 20 2000 डिवाइड बाय 10000 × 100 करके परसेंटेज निकाल दी, तो मैं 100% परसेंटेजेस में बात कर रहा हूँ। तो 20/100 व्हाट इज 20? प्रॉफिट। व्हाट इज 100? व्हाई? बेस 100। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरी 20% ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट 100 रुपए है, 100% है, प्रॉफिट 20% है, तो देयरफॉर जो मेरी सेल प्राइस थी वो 120% है। ये मुझे कैसे पता चला कि कॉस्ट 100% है? क्योंकि बेस 100%। अगर मेरा प्रॉफिट होता 5% ऑफ कॉस्ट, 5% ऑफ कॉस्ट, मैं ये इक्वेशन कैसे बनाता? कॉस्ट इज 100, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, अगर कॉस्ट बेस है तो कॉस्ट 100 + 5 इज इक्वल 1 रुपए। अगर ये 35% प्रॉफिट होता, 100 + 35 इज इक्वल 1 रुपए, तो वाई 100? वाई 100? क्योंकि बेस इज 100, कॉस्ट इज बेस्ड और बेस 100 होती है। लिखने से पहले राइट साइड पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, क्या ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा हमेशा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मैं ये खड़ा, अब ये परसेंटेज हमने राइट साइड पे कैलकुलेट की है, ये 16.67% ऑफ सेल्स लिखा मैंने, तो इसे अगर डिफाइन कर लो तो 16.67 डिवाइड बाय 100। क्या 16.67% मींस 16.67 डिवाइड बाय 100? 100 किसको कहते हैं? बेस को। तो अब इस बेस में कॉस्ट 100 है या सेल 100 है? तो क्या सेल के नीचे 100 आएगा? प्रॉफिट कितना है? तो अगर 100 रुपया सेल प्राइस हो फुल कंसंट्रेट और प्रॉफिट 16.67 हो, तो कॉस्ट तो फिर 116.67 ही बनी ना। क्या सेल के अंदर प्रॉफिट मौजूद होता है? सेल में प्रॉफिट शामिल होता है, कॉस्ट के अंदर भी तो शामिल होता है सर, नहीं होता, उसमें शामिल करना होता है। तो अब ये जो 100 है क्या इसमें 16.67 प्रॉफिट शामिल है? तो अब ये सॉर्ट ऑफ रिवर्स वर्किंग होनी है, अगर आप मैथमेटिक्स भी अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट बताएंगे कितनी है? यूज कैलकुलेटर, यूज कैलकुलेटर। मैं जुबानी करूंगा, ये कोई मिशन नहीं है, मैं जुबानी करूंगा चाहे गलत हो जाए, दिस इज नॉट एन इशू, ये हमारा कोई मिशन नहीं है। जी डियर, मुझे कैसे पता चला लेफ्ट साइड पे कि कॉस्ट इज 100? लेफ्ट साइड क्योंकि बेस कॉस्ट है। मुझे कैसे पता चला राइट साइड पे कि सेल 100 है क्योंकि बेस है? क्या आप सबको भी ऐसे पता चल गया? अब ये दोनों तरफ लिखे राइट लेफ्ट साइड।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा के बात समझ आई। अगर लिखते हुए आपने बातें ना की तो मेरा नहीं ख्याल ही सही लिखा रहेगा। अगर ये मुस्कुराहट खत्म ना हो सकी तो सही नहीं लिखा जाना। मैं चाहता हूँ बच्चे रोए। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, शायद आपका ओपिनियन यही हो, मतलब आपको ऐसे ही महसूस होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अल्लाह करे हमेशा हंसते रहे मुस्कुराते रहे। लेकिन अकाउंटिंग बुरा मनाती है आपको, अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो मतलब लेट हो जाएगा, ये बात ऐसे बनेगी नहीं। यू नीड 100% कंसंट्रेशन इन क्लास और जब भी कभी घर में पढ़ रहे हो। ये इंडिविजुअल गेम है, ये कोई कंबाइंड स्टडी वाली बहस भी नहीं है, ये अपना अपना सोचना पड़ता है। साथ वाला फर्ज करें खुदा ना खासा ना पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह मालिक है उसको। इसका रिजल्ट ये नहीं कि मैं भी नहीं पढ़ूंगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये अपनी अपनी जंग है, ये अपना अपना सीए। क्या इस क्लास में से चंद नौजवान अगर सीए कर जाए तो सबकी तरफ से हो जाएगा? सोच रहे ठंडे दिल सोच। मेरा तो ख्याल है कोई एक कर गया तो उसकी डिग्री या उसका सर्टिफिकेट कॉपी करवा लेंगे, फोटोशॉप पे चेंज करवा लेंगे। इस तरह की दो नंबरी आपको समझ नहीं आती। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा आसान है। कब से तो एक दफा इस तरह करें, फाइनली साथ वाले को देख के मुस्कुरा लें और इसके बाद दोबारा क्लास में एक आखिरी दफा बोर्ड पे आ रहा है। ये सब ओके है सर यहाँ तक? यस सर। देन सर ये आ जाए, उन बातों पे बात करते हैं जो लफ्ज अभी आप बोल रहे थे। बेटा बेस 100 होती है, जब मैं कॉस्ट से डिवाइड कर रहा हूं 10,000 वॉज कॉस्ट, 12,000 वॉज सेल। तो जब बेटा कॉस्ट से डिवाइड करें तो कॉस्ट बेस होने की वजह से 100 है और सेल प्राइस बेस में होने की वजह से 100 है। जो चीज भी आप डिवाइडेड बाय करेंगे बेस में रखेंगे दैट इज 100%। कोई और फर्दर अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं किसी को करनी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट बट आपको जिन्होंने क्वेश्चन के क्लियर, उधर मैंने कॉस्ट को बेस बनाया तो कॉस्ट इज 100, राइट साइड पर मैंने सेल का बेस बनाया तो सेल इज 100। अगर कोई क्वेश्चन का एड्रेस हो जाए तो काइंडली बता दें, क्लियर? मैं चलूं फिर आगे। देन सर लेफ्ट साइड पे एक सेंटेंस मैंने लिखना, वो कहता है कंडीशन ऑफ कॉस्ट, इफ प्रॉफिट है परसेंटेज इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। देखिए सर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, कॉस्ट की बेस पे भी है और सेल्स की बेस पे। तो एक तो ये है कि हम इन्हें के पूरे पूरे नाम लिखा करें, 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ सेल, लेकिन इनके एक शॉर्ट वर्ड्स भी बनाए हुए हैं डिस्कशन करते हुए। क्या ये प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट? इट इज कॉल्ड एज मार्कअप। क्या जो आपने पढ़ा और मैंने वही बोला? मैंने किस चीज को मार्कअप बोला? नहीं यस नहीं, मैंने नहीं बोला, ना ना मैंने नहीं बोला। मेरा सेंटेंस पढ़ के बताया, मैंने मार्कअप कहा किसे? उस प्रॉफिट परसेंटेज को जो कॉस्ट की बेस है। मसलन कभी आपके सामने बोलूं मैं 20% मार्कअप, तो आपके जहन में क्या स्टोरी बनेगी? ये 20% मैंने कॉस्ट की बेस पे कैलकुलेट किया होगा और देयरफॉर कॉस्ट 100। कॉस्ट की बेस पे कैलकुलेट किया होगा और देयरफॉर कॉस्ट 100। याद रखिए करेंगे। और इसी को सेल्स की बेस पे कहते हैं, ए प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, इट इज कॉल्ड एज, जी जी बस एक लफ्ज बोलना पहले, इट इज कॉल्ड एज मार्क।
सॉरी कॉल्ड एज। तो ये मार्जिन और मार्कअप किसके लिए लफ्ज है? ना 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 ना, प्रॉफिट परसेंटेजेस के लिए मार्कअप और मार्जिन वर्ड है। प्रॉफिट परसेंटेजेस मार्कअप के एंगल से भी है और मार्जिन के एंगल से भी, लेकिन कौन सी प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन है जो सेल की बेस पे है, और मार्कअप कौन सी परसेंटेज की बेस से कॉस्ट की बेस। लिखे राइट लेफ्ट चार्ट। ये बाकी अब जो चल रहे हैं बंद करके दूसरे चला दो, फिलहाल काफी कम हो गया। कितने चल रहे हैं इसमें? एक भाई की आवाज आई, सर नींद आ रही है। हाँ, उस भाई को अप्रिशिएट करें तो बेटा कमाल ही हो गया। क्या कहें बताएं इस भाई को। इस भाई को काफी दफा समझाने की कोशिश करता हूँ, बट आप काइंडली जहन में लाएं, आपने अपने डैडी से पैसे लेके फीस जमा कराई है, नंबर एक। नंबर एक। नंबर टू, आपने आई कैप को रजिस्ट्रेशन करवाई है डैडी से पैसे लेके। डैडी एक मिनट जहन में लाए, सारा दिन बेचारे मेहनत करते हैं, हमारे लिए पैसे कमाते हैं, तो क्या डैडी इसलिए पैसे कमा रहे हैं कि हम वो पैसे दे के आई कैप को कॉलेज को रिलैक्स होके सो जाए? हमेशा कोई भी ऐसी बात आपके जहन में आए, दिल नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में, तो सिर्फ जहन में कौन लाए? डैडी लाए और माँ जी लाए। माँ जी बेचारी दुआएं कर करके आपको घर से रुखसत करती हैं कि मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है, तो अपने लिए हम नहीं पढ़ रहे। पहले मेरा लास्ट सेंटेंस का हौसला, हमने अपने लिए पढ़ना छोड़ दिया, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारे माँ बाप के जो ख्वाब हैं वो हकीकत की शक्ल इख्तियार कर सके। सर जी इस बात से तो मोटिवेट हो जाएगा, तो खुदा का नाम लें सर, क्या पढ़ाई में लाने का कोई तरीका है सर? क्या अम्मी अब्बा के वो ख्वाब भी हमें, और एक मिनट आंखें बंद करके डैडी और मम्मी देर में, क्या उनके साथ भी सिंसियर नहीं हम? नहीं। माँ जी ना करें यार, तजीन के ख्वाब है सर, आप नौजवानों में वो ख्वाब छुपे हैं उनके, तो उनका ख्याल करें सर। तो क्या नींद उड़ गई है या कोई और तरीका ढूंढू सर? और भी तरीके अलहमदुल्ला है। अब्दुलरहमान उठी यार, रहने दे दीजिए, बच्चा मान गया। सर जी ना करें सर, एक मिशन ऑन है आपका और इस मिशन की एक प्राइस है, तो क्या वी आर रेडी टू पे दैट प्राइस? आगे बढ़े सर, आगे बढ़े सर। एक नजर रिवाइज करें जो बातें हैं, खामोशी कांडी। ये चले जाएंगे बस यहाँ तक, बड़ा जो सेंटर में लाइन थी वो खत्म कर दे, वहां तक बात खत्म होगी। अब इन परसेंटेजेस का हमने करना क्या है? सॉरी आपका एक क्वेश्चन था, मेरा ख्याल बीच में रह गया, आप एक बात पूछना चाह रहे थे, हाँ काफी देर पहले बात, मेरा ख्याल खत्म हो रहा है जी। सर जी, अब इस मार्कअप मार्जिन की हमें अब जरूरत क्या है, आए इसको समझने की कोशिश करें। फर्ज करें, देखिए एक डेटा एग्जाम्पल वन बना रहे, किसी प्रोडक्ट कॉस्ट 5 लाख थी, सीरियस, और उसे बेचते हुए 20% मार्कअप रख के बेचा गया। अब मैं यहां कुछ वर्किंग्स आपके सामने करूंगा, हो सकता है कि आपने किसी डिफरेंट तरीके से पहले जिंदगी में ये वर्किंग्स की हो, मुझे हरगिज़ इतराज़ नहीं होगा
अगर वो सही याद है, लेकिन खतरा मुझे वही है जो आपको भी महसूस हुआ है कि बस नाम तो जहन में थे, बस बात वही है। तो बेस्ट यही रहेगा कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको भी गौर से सुन लें। हाँ, अगर सही कोई पुराना तरीका याद है और आप महसूस करें कि आंसर वैसे भी आ जाता है, तो इस चक्कर में हमने नहीं पढ़ना कि सर ये भी तो हो सकता है। अगर सही हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर ये हो कि आपका आंसर मेरे से मैच ना करे, तो मैंने बड़ी कोशिश से मुश्किल से ये तरीका सीखा है। पहले उस पर बहस रहने देंगे कि मेरा तरीका ठीक है, और मैं पहले कोशिश करूंगा मेरा तरीका सही आंसर देगा। ठीक है, तो जरूर ठंडे दिल से गौर से सुनिए। मैंने तीन लाइनें लिखी, मैंने आपको क्या क्या बताया, सिर्फ मैंने दो चीजें बताई, मैंने कॉस्ट बताई है और मार्कअप के एंगल से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बता दू, और आपसे पूछा यह है कि सेल की अमाउंट बताए, सेल रुपीज आपने बता दी। क्वेश्चन क्लियर हो सकता है? ये पहली एग्जांपल बहुत सिंपल है, जो शायद बड़े आराम से और तरीकों से भी हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ आपसे तरीका डिस्कस करना है, तो कैंडी वो तरीका भी मैसेज सुन। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हमेशा अगर इस तरह हो जाए, इस तरह से आपने को फाइंड आउट करना हो, तो आप बेसिक इक्वेशन जहन में लाएं, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। क्या इसने कॉन्स्टेंट ही रहना, चाहे मार्कअप है मार्जिन है, कॉस्ट में प्रॉफिट जमा करेंगे तो सेल बनेगा। देन आपने ये परसेंटेज ढूंढ के इन परसेंटेजेस की बेस पे अपनी इक्वेशन फाइनल कर लेंगे। बट द फर्स्ट स्टेप कि आपने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स वाली इक्वेशन परसेंटेजेस के एंगल से पूरी कैसे कर लेनी है, वो मेरा मैसेज सुना। क्या लिखा मैंने, 20%, व्हाट इज 100? हमें क्या पता, हमें पता है मार्कअप लफ्ज इस्तेमाल ही कब होता है, जब कॉस्ट को बेस रख के डिवाइड किया गया हो। तो क्या हम श्योर है कि कॉस्ट इज 100? व्हाट इज प्रॉफिट? 20, देयरफॉर 120। तो फर्स्ट स्टेप इज कि मैंने परसेंटेजेस के एंगल से अपनी कॉस्ट को, अपने प्रॉफिट को और सेल प्राइस को डिफाइन कर दिया। एनी इतराज है? देन बड़ा नेक्स्ट स्टेप फिर ये होता है, इस तरह कर लिया जाए तो आसानी से वर्किंग हो जाएगी, कि देन आप अपनी जो गिवन अमाउंट है वो उठाएं। बहुत से सुने 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 मैंने क्या उठाया, गिवन कॉस्ट उठा ली मैंने, अवेलेबल थी। अब इन परसेंटेजेस के एंगल से देख के बताएं मेरी ये कॉस्ट कितने परसेंट है, 100% है, और मैंने फाइंड आउट किस परसेंटेज को करना है, 20% या 120%? 20% फाइंड आउट करना है या 120? मैं ये भी कह सकता था कि सेल की बजाय मुझे प्रॉफिट की अमाउंट बताएं, तो क्या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आपको 100% बताया कॉस्ट और 20% मांगा प्रॉफिट, लेकिन मैंने आपको कितने परसेंट बताया और आपसे कितने परसेंट मांगा? 100% बताया और 120% मांगा। ऑब्वियसली वो भी हो सकता है कि पहले वो आ जाए तो बाद में आ जाए, लेकिन हम इसका कोशिश करते हैं एक फाइनल शॉर्टकट जो हर जगह हर वक्त 2 मिनट में एक लम्हे में जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या मैंने बताया कि एक इक्वेशन बनाने परसेंटेजेस, देन नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप वो बताने लगा, 5 लाख मैंने क्या उठाया। इसका आसान सा तरीका ही होता है कि जो अमाउंट आप उठा रहे हैं उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दें और जो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। लेट मी रिपीट माय वर्ड्स, जो अमाउंट आपने उठाई है ये किस चीज की अमाउंट है, इस कॉस्ट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दें और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। इस कॉस्ट की परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या है, तो इस कॉस्ट को उसी की अपनी परसेंटेज से डिवाइड कर दें, मीन्स किससे डिवाइड कर दें, डिवाइड 100 से कर दें और मल्टीप्लाई करना है जो फाइंड आउट करना है उससे कर दें। एक दफा बोल देंगे किससे डिवाइड कर दें किससे मल्टीप्लाई कर दें, जो अमाउंट आप उठा रहे हैं उसको उसी की रिस्पेक्टिव परसेंटेज से डिवाइड करके जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। आंसर फाइनली एक मिनट में बता दें। जिन जिन लोगों ने अपने किसी तरीके से किया है क्या मैच करता है मेरे साथ, तो ये तरीका भी लिख लें, एंड में अगर पसंद आया तो अडॉप्ट कर लीजिएगा, लेकिन अगर हर जगह वो तरीका सही याद आ गया तो फिर ठीक, वरना ये मार्क पॉइंट फाइनली मान लीजिए। एनी इतराज, एनी कन्फ्यूजन, नोट भी कर लें, कोई है तो बता दो। बस ये ना कैंडी मेरे क्वेश्चन पूछने के, सर अगर वैसे कर लें, वैसे भी कर लें, वैसे भी कर लें,
वैसे भी हो सकता है, वैसे भी ऐसे लग रहे, मैंने अब पांचवा को तरीका ना छोड़ा। तो मेरे लेवल की बात है या मुस्कुरा रहे, मैं भी हंसना चाह रहा हूँ। एफ एल वन ने कब शुरू होगी, ये किसी भाई से पूछो। देखो ये अब्दुल रहमान बच्चन सवाल था, एफ एल वन कब से शुरू सर जी, अगर मैंने इस दिन अभी एफ एल वन शुरू कर दी ना, और आपने पढ़ी भी अकाउंटिंग पहले, अगर अच्छा एफ एल वन शुरू हो चुकी है सर। अब अगला सवाल खुदा ना ये ना हो जाए कि एफ वन खत्म कब हो, क्योंकि इस वक्त हम वेले बैठे हैं, यही तो सवाल बनता है। खुदा सर गेम फंसी हुई है, तीन चक्रों पड़े हैं, अभी तो मैच का पहला ओवर भी नहीं शुरू हुआ भाई, अब तो पिच पे नहीं पहुंचे हम, टॉस जारी है, टॉस के बारे में सोचा जा रहा करें या ना करें, आपने कर लिया हुआ आपने। अगर मार कर भी था मार देना तो मेरे पता था आपने कहना सर कहानी शुरू हो जी। अगला चले सर, सर जी प्रॉब्लम पता क्या है, आपके जहन में सिर्फ बात है कि छुट्टियां कितनी होंगी, और अगला सवाल ही कर दिया एफ वन शुरू हो। मेरे भाइयों को मतलब ये कुछ तरीका है, पढ़ना हम चाह नहीं रहे, एफ वन खत्म हो जाए, आंखें बंद करें खोलें, ऐसे नहीं होनी। आपका ख्याल था मैं कहूंगा और भी होगी, ऐसे होती है। और नंबर टू सर, डाटा नंबर टू, पांच छह एग्जाम्पल्स। लेट्स अज्यूम कॉस्ट इज खामोशी, सॉरी कॉस्ट की डेट, सेल की अमाउंट है सपोज 15,400, 40% मार्कअप, आपने मुझे प्रॉफिट की अमाउंट बता दी। नहीं एक और मेरे साथ, एक सॉल्व और मेरे साथ कर लो, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, या एक और इसके बाद एक और, उसके बाद फिर आप लिखिएगा जितनी आप एग्जांपल्स के मैं शुरू करूँ। जी नोट कर लिए, सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे क्या कहा, एक बेसिक इक्वेशन बना लें परसेंटेज, कैसे बनाओ और से देखें परसेंटेज बताएं व्हाट इज 100। ना सर ना सर ना सर नहीं नहीं 40% मार्कअप लिखा मैंने, ठीक है मैंने बताया कुछ है कर कुछ ना वो ठीक है, परसेंटेज देखें गौर से, व्हाट इज 100 मार्कअप है, व्हाट इज 100 वो तो पहले थी अभी होगी, अभी मार्कअप है, क्या अब मार्जिन होना चाहिए था, ये तो कोई बात ना हुई, मार्कअप है क्या करें, तो अब सेल को 100 रख लेते हैं, तो नहीं मार्कअप है तो उसको कॉस्ट है। व्हाट इज प्रॉफिट व्हाट इज सेल 140। तो सबसे पहला स्टेप मार्कअप या मार्जिन जो भी है उसे परसेंटेज में डिफाइन करें, फॉरगेट अबाउट एवरी अदर थिंग। अब क्या करें, जो अवेलेबल चीज है जो अवेलेबल अमाउंट है उसको उठा लो 15,400, ये गिवन अब है क्या, सेल गिवन, और सेल गिवन से हमने फाइंड आउट क्या करना, प्रॉफिट फाइंड आउट करना, गिवन सेल से प्रॉफिट निकालना। नेक्स्ट वर्ड सुने जरा, अब परसेंटेजेस के एंगल से जो क्वेश्चन बनी इसको गौर से देखें, क्या 140% अमाउंट अवेलेबल है, क्या 140% अमाउंट अवेलेबल है और 40% फाइंड आउट करना है, ये सिचुएशन। तो डिवाइडेड बाय क्या करूं, 100 100 मेरे भाइयों, ये हमेशा 100 से डिवाइड होता है, ये किससे डिवाइड होता है, जो अमाउंट अवेलेबल हो उसकी परसेंटेज से डिवाइड करना है। बताएं डिवाइड किसे करूं, 140, और मल्टीप्लाई किसे कर लें, इनटू 40। बिस्मिल्ला पढ़े लिखे, एक मिनट लिखे लिखे तो सही साथ लिखे, पहले एक दफा ये बोल लें कि डिवाइड किससे करें मल्टीप्लाई किससे करें,
गिवन अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल से डिवाइड करना और जो हमने अमाउंट फाइंड आउट करनी उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो सिनेरियोस मैं बनाता रहता हूँ कंडी, आप अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं। एक साइज ही डाटा से करवाया था बेटा, क्योंकि 100 नहीं है, क्या हो गया इसमें के क्वेश्चन प्लीज यार। सेल 140% के इक्वल है तो मैं 100 से कैसे डिवाइड करूं? प्लीज ऐसे नहीं करें। सेल की अमाउंट है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, सेल 140% है, तो जो अमाउंट अवेलेबल है उसकी परसेंटेज से डिवाइड करें, और जो फाइंड आउट करनी है मींस प्रॉफिट की अमाउंट इस केस में, वो 40% उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओके प्लीज, एक मिनट प्लीज, ओके है? यस सर। ये डियर आगे चलना, बल्कि एक का अंदर एक इसी डाटा से और करवा रहा, इसी डाटा से जरा कैंड एक और मैं देखूं जरा हम कहां तक है। ये 4400 अब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मैं इस प्रॉफिट से कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं। एक वे तो सिंपल क्या है, सेल की अमाउंट कितनी है 15400, प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, तो डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं परसेंटेजेस से फाइंड आउट करना चाहूं कॉस्ट, तो कैसे कर सकता हूं? 4400 से मैं कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं, तो व्हाट इज 4400? प्रॉफिट है, प्रॉफिट की परसेंटेज ढूंढे, डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, किससे करते हैं, जो अमाउंट जिस परसेंटेज इक्वल उसे डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करूं? और जाने दे यार 100, अब बेटा मैं 50 दफा भी पूछूं तो ये 40 से डिवाइड होना। मैंने कहा डिवाइड डिवाइड डिवाइड, अपने अगला जवाब मैंने पहले बता दिया। मैं डिवाइड किससे करूं, किससे डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? मैं 500 साल भी अगर ये सवाल रिपीट करता रहूं तो ये डिवाइड बाय 40 होना। अल्लाह ना करे मैं खुदा ना खासा ये हरकत करूं, क्यों ये 40 से ही होना? क्योंकि गिवन अमाउंट की परसेंटेज 40 है। अब करें क्या, तो क्या करें, 40 से डिवाइड अब कर ही दें। अब मैं अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कॉस्ट, तो मल्टीप्लाइड बाय अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर इज इक्वल टू, क्या वही आ गया जो आना चाहिए? सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, नहीं यार बगैर सॉल्व करे कैसे पता चलेगा? तो आज तो कैलकुलेटर अल्हम्दुलिल्लाह है, क्या बात, ये भी लिखें इस एग्जांपल में, ये भी लिखें, फिर मैं नई एग्जांपल बनाता हूँ। जी मिस्टर असलम जी, आप सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप कोई भी पुराना तरीका इक्वेशन बनाने वाला यूज करना चाहें, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं, आपने ऐसी टाइप के इसमें कोई हर्ज वाली बेटा बात नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट बस ये है कि मेरे साथ जरा मैच करते जाए। अगर मेरा और आपका आंसर मैच कर रहा है तो मुझे बिल्कुल इतराज नहीं कि आप ये तरीका जरूर यूज करें, लेकिन अगर पुराना सही याद नहीं आ रहा तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है कम अज कम ये वाला फाइनल करें। ठीक है मिस्टर असमान यार, ये चलूं आगे थर्ड एग्जांपल। लेट्स सी प्रॉफिट अमाउंट इज, बस कर दे सर अपनी एग्जांपल अभी रहने दें, बस कहें सर प्रॉफिट अमाउंट इज 1 लाख, 25% सपोज मार्कअप, आपने मुझे सेल्स की अमाउंट बता दी, ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्कअप, सेल्स की अमाउंट बता दी, ये मेरे साथ कर लीजिए, उसके बाद फिर आप करें करते रहिए, नोट कर ली, डाटा लिख लिया है,
सबसे पहला स्टेप बोल दे, परसेंटेज में क्वेश्चन बना, 100 बताए, 100 100 100 100 100 100 मार्कअप है, कॉस्ट की बेस पे होता है, होता है सर, 100 प्लस प्लस इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्वेशन बनवा, आप जो गिवन अमाउंट अवेलेबल है बता दें कितनी है, 1 लाख। काइंडली ऑनलाइन भी पिड़प प्लीज साथ साथ सुना करें, बाद में फिर आप रिपीट कर दें, दिस इज नॉट प्लीज फाइंड साथ साथ। 1 लाख का प्रॉफिट है, इसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ना डिफाइन करना है, ये कितने परसेंट अमाउंट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हमने लिख ली है, ये 1 लाख रुपया कितने परसेंट फिगर है, 25% फिगर, एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट 125% अमाउंट, 25% अमाउंट से 125% अमाउंट फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट से सेल निकालना, सही है सेंटेंस मेरा, तो डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बाद में एक ही सवाल होता है, रिपीट करते हैं, डिवाइडेड बाय, एक ही बंदा बेचारा बार बार लगा हुआ, सबकी तरफ से हो गए, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, वजह वजह सेल्स फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू, लेकिन ये जागल आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन क्या मेरी इतनी ऊंची ऊंची बोलना पड़ा करेगा आपके पार्टिसिपेशन के लिए, यस सर, यहाँ आप तो मजा विलिंग स्टूडेंट्स है, मेरा तो ख्याल ये फार्मूला बन गया, बाकी आप देख रहे हैं क्या किसी फार्मूले की अब जरूरत रह गई है, क्या कर रहा हूं मैं, कुछ समराइज कर दे जरा, परसेंटेज डिफाइन कर लेता हूँ मैं, फिर क्या करता हूँ जो अवेलेबल है उसकी परसेंटेज ढूंढ लेता हूँ, देख ले मेरे ख्याल इस ज्यादा देन कि हम इसका कोई लिखने की कोशिश नहीं, डिवाइड बाय दैट, दो तीन सवाल और कर लेते हैं, क्या ख्याल, और फिर तब उठेंगे जब ये बात बन जाएगी, आगे चले सर, नहीं ये क्या बात है, मार्जिन वाले करें, ये क्या कमाल है, एग्जामिनर को भी बात करें, भाई नहीं मैं नहीं मजा आ रहा है, का नाम है, मतलब सवाल मेरा जवाब आपके, ये क्या बात है, अब मार्जिन वाले शुरू करें, सुभान अल्लाह सर, जल्दी है सर, कहाँ जाना है, यहाँ जाके पढ़ना ही है ना यार, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, सोचे तो आराम से ठंडे दिल से सोचे, टेक लगा लें, खुदा ना खासा यहाँ क्या हो रहा है, चेक करके देख लें, कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो कुछ बदल लेते हैं, मेरे भाई यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, ये मिलाना नेक्स्ट नंबर 4 लिखे, नंबर 4 सपोज कॉस्ट की अमाउंट है 50,000, मार्जिन प्रॉफिट फाइंड आउट करना, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम चाहे मार्कअप हो या मार्जिन हो, वर्किंग का कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, कैसे, एक करवा दें ये वाला, एक करवा दें उसके बाद फिर आप कैसा, नहीं बड़ा इस तरह ही, पहले क्वेश्चन डिफाइन कर, रुक रहे जहां जहां है वहीं रुक रहे करवा दे, कंटिन्यू, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन इज हाईली नेसेसरी, नहीं बेटा इतना जरूरी नहीं है, मतलब मेरा नहीं ख्याल, इस तरह रिवर्स कर लेता है, 100 डिफाइन कर ले बाकी खुद हो जाएगा, मतलब इस तरह सीधा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, जिस तरह आ रहा बस कर लेता है, मार्जिन है मार्कअप है, मार्जिन मार्जिन किसकी बेस पे होता है, तो से 100 किसके नीचे लिखो, रिवर्स वर्किंग कर लेंगे, 15 किसके नीचे लिखो, और therefore बैलेंसिंग फिगर फिर 85 ही होनी चाहिए, 100 सेल प्राइस उसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी मौजूद होता है, तो फिर 85 ही कॉस्ट होगी, तभी सेल प्राइस 100 बनी है, 15 प्लस करके, याद रखो, ओके ओके, लास्ट अब सुने गिवन अमाउंट बताएं क्या है, 50,000, इस इक्वेशन के मुताबिक ये 50,000 कॉस्ट किस परसेंटेज के इक्वलेंट है, डिवाइड बाय 100, सर कमाल है, पिछले सवाल में 100 लगे हुए थे, अब नहीं ये नहीं है, वो जो था वो था, ये वो नहीं है, नहीं ये कोई जवाब नहीं, ये मेरा सवाल भी गलत था,
ये जवाब भी आपका जवाब बनता ही नहीं था, आपका मुस्कुराहट बनती थी कि बच्चों वाली बात कर रहा है, हमें वो समझता है, आपको पता है वहां वो था, यहाँ ये है, यहाँ वो है ही नहीं, यहाँ क्या सिचुएशन है, जब गिवन अमाउंट है वो किस परसेंटेज के इक्वल है, तो डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 15 क्यों, प्रॉफिट निकालना है, बिस्मिल्लाह पढ़े सर, बिस्मिल्लाह पढ़े, जी मैं देख के लिख लेता हूँ, आप बचेंगे सर जी, मेरा भी ऐसे में बिल कर रहा है सर, भाई को नहीं यार, मुझे भी जरा प्लीज, मेरे लेवल की नहीं बात, मुझे बच्चा ही समझता है, क्या आंसर आ रहा है सर, 882 3.5 के बाद भी गेम जारी है शायद, राउंड ऑफ कर दो सर, 8824 सही है मेरी राउंडिंग ऑफ, समय ठीक है, अब बेटा ये नहीं है, काइंडली इस तरह ना करें, एक मिनट प्लीज, इस तरह की कंफ्यूजन खत्म करें, एक मिनट, मेरे सामने एक सवाल है, आप लोग भी इस तरह कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, मैंने भी थोड़े पहले कहा कि मार्कअप है तो बेस इज 100 ऐसी है? और मार्जिन अगर है तो बेस इज सॉरी मार्कअप अगर है तो बेस कॉस्ट इज 100 सॉरी कॉस्ट इज 100 एंड अगर मार्जिन है तो सेल प्राइस, तो बेटा ये बात यहाँ तक ठीक है, मैंने जो कहा है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा है, क्योंकि मार्जिन है इसलिए वो सेल 100 है, और पिछले सवालों में मैं तीनों सवालों में मार्कअप दे रहा था तो कॉस्ट 100 है, लेकिन मेरी इस बात का ये तो मतलब नहीं है कि हर अमाउंट ही 100 है, मार्कअप अगर है तो कॉस्ट वाली अमाउंट 100 है, मार्जिन अगर है तो सेल वाली अमाउंट 100 है, तो अब मुझे कॉस्ट पता थी, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस्ट अवेलेबल थी, तो कॉस्ट तो 100 नहीं है यहाँ, इस मार्जिन वाली परसेंटेजेस में कॉस्ट तो 85% है और सेल 100 है, तो कॉस्ट को मैंने कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड किया है, और अगर मैंने सेल निकालनी होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, एक बात फाइनल होगी प्लीज, मार्जिन में बेस सेल ही है, मार्कअप में कॉस्ट सेल सेल बेस में, देयरफॉर सेल 100 है, और मार्कअप में कॉस्ट बेस में होने की वजह से कॉस्ट 100 है, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही है, लेकिन जो अमाउंट्स अवेलेबल है वो सेल और कॉस्ट की जरूरी नहीं तो नहीं हमेशा अवेलेबल हो, ये बात क्लियर होगी, एक सेकंड, मार्जिन में बेस सेल 100 वाली बात करनी, बड़ा क्लियर होगी, इधर काइंडली बता दिए करें जल्दी ताकि मैं आगे तरफ अगर होगी तो, जी एग्जांपल नंबर 5 इससे बड़ा कोई फायदा नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछा अगर उसका मैंने जवाब दिया उसका फर्दर रिस्पॉन्स तो होना चाहिए, जी डियर डाटा एक और लिखा, लेट्स अज्यूम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 30,000, 15% मार्जिन, कॉस्ट बताए, ये करें जी आप कुछ अब फिर कुछ, और कहीं किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ेगा कि मैं जब मुझे आ गया है तो मैं वैसे किया करूंगा, जिस तरीके से समझ आया काइंडली उसी तरीके से फाइनल करें, कोई मिस्टेक नहीं काइंडली कीजिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आंसर आने चाहिए सबके फाइनल आंसर, ये दर साहब जरा नीचे और कौन सा बैठा आप जरा पता कर लें, बच्चों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही तो क्लास में बैठा मोबाइल तो, और ये तो कोई तरीका नहीं मोबाइल यूज करी जा रहे बैठे मोबाइल ऑफ रखा करें क्लास को, फाइनल आंसर्स चाहिए,
सबका आंसर नहीं आया अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? आपने भेजा नहीं और आपका आंसर आ गया, मेरा आ गया होगा आंसर, मेरा आ गया होगा, ये कैसे सोच रहे हैं आप लोग? जी सर फर्स्ट स्टेप, नहीं बेटा 168 नहीं है, गलती है ये, 168 नहीं है जी, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप सर, सर सर इक्वेशन बनवाए, व्हाट इज 100? प्रॉफिट इज 15 एंड कॉस्ट इज 85, जो अमाउंट मैंने बताई आपको दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज इक्वल टू द 15% डिवाइड बाय 15 एंड फाइंड आउट मल्टीप्लाइड बाय 85 इज इक्वल टू 170,000। जिन जिन हजरात के 170 आंसर्स नहीं है मेरे सामने, पहले बैठे हैं पहले वो बताएं, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे आईडी हो रही है, गलतियां हो रही है नहीं। जी फ्रेंड्स 170 ओके सर? जी सर, सर मुझे बताना था, साथ वाले को बताना चाहोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स 170 फाइनल है? अनदर एग्जांपल, ये तो मजा ही पड़ा रहा, ये अभी नहीं आया, अभी आना शुरू होगा। नंबर 6 सर जी, हर सुबह शाम यूज होना है सर, सुबह दोपहर शाम इससे यूज होना है। सेल्स अमाउंट इज 50,000, 30% मार्कअप, प्रॉफिट बताएं, मार्कअप है सर, व्हाट इज 100? सेल इज 130। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन रहनी चाहिए, 15,000 नहीं है, 15,000 नहीं है, गलती है ये, एक ही बात बार बार आप रिपीट हो रही है, मिस्टेक करें फजूल में। ये बड़ा इक्वेशन ठीक है, 100 प्लस 30 इक्वल 130, गिवन अमाउंट किस चीज की है? डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 11538 पे सही राउंड ऑफ हो रहा है मेरा ख्याल, 0.46 आगे है तो लोअर साइड पे हो जाएगा, 0.5 से अगर नीचे है, 0.5 से आगे है नहीं, मतलब 0.5 से अगर कम है कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, मसलन क्या आंसर है? नहीं मतलब इसका सही राउंड ऑफ किया मैंने, 0.5 नहीं, मुझे क्या लिखना चाहिए बता दो बेटा, ना करें आप पूरा आंसर लिखवाइए, क्या आ रहा पॉइंट आगे क्या आ रहा 4.6 सर, एक मेरा मौका था सर, मेरे चार सीखे 4.5 आप सही कह रहे हैं कि एक पहला स्टेप ये होगा कि ये अगर आपने पॉइंट से लिखना है तो ये इस तरह राउंड ऑफ कर, लेकिन अगर मैंने रुपीस में लिखना है तो मेरा ख्याल है 0.46 खत्म हो जाएगा। अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है 0.5 लग जाएगा, लेकिन अगर मैं रुपीज में राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ तो ये ठीक है? नहीं मुझे बता दीजिएगा, आपने अगर किसी और तरीके से राउंड ऑफ किया हुआ जिंदगी में तो मैं वैसे करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ इशू जिस पर मैं ऐसी बहस करूँ। आप माशाल्लाह क्यूएम के चैंपियंस, नहीं मतलब ठीक है, आपने अभी बहस पढ़ा, मैं तो पता नहीं पढ़ा भी जिंदगी में, नहीं सीरियसली मतलब इसमें फाइनल ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काउंटिंग में हमारा मकसद राउंडिंग ऑफ पे बहस करना नहीं है, हम अकाउंटेंट्स का मकसद ऐसे छोटे छोटे फजूल से इश्यूज को बड़ा बना लेना नहीं है,
मेजर चैलेंजेस रिजॉल्व करना हमारा मकसद है, और अब हमारा मेजर चैलेंज ये है कि क्लास कब तक रहा करेगी, क्या हमेशा हम क्लास का एंडिंग टाइम डिसाइड करते हुए स्टार्टिंग टाइम भूल जाया करेंगे, क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है, तो आते हुए तो याद था कि मैंने लेट जाना है, हालांकि जुमा मैंने 2 बजे पढ़ लिया था, लेकिन जाते हुए कि हम भूल रहे हैं कि हम इकट्ठे किस वक्त हुए, क्या एंडिंग पॉइंट डिसाइड हो चुका है, क्या ये आप डिसाइड किया करेंगे, आप ही कर ले भाई, मुझे हुक्म करें, मैं खड़ा था, मुझे चला जाए, एक एग्जाम्पल लिखियो, ठीक है, मेजोरिटी जो इस क्लास के स्टूडेंट्स है ना वो डिस्टर्ब होते हैं इस फजूलियात से कि क्लास एंड हो रही है, छुट्टियां डिसाइड हो रही है, क्या बातें हो रही है, ये चंद मेरे जैसे हैं बस, तो मुझे नहीं लग रहा आप में से कोई भी, मैं भी गलत चक्र में पड़ जाता हूँ, छुट्टी होगी, टाइम खत्म हो गया, लेकिन ये बात है करने वाली, क्या हम इसलिए करते हैं, क्या हम इतनी दूर दूर से अपने घरों से लाहौर इसलिए आए, हम पढ़ने आए, क्या ख्याल है, हम पढ़ने आए, कमाल है यार, हम भी लाहौर में सैर तफरी करने आए, तो याद रखा करें ना क्लास के बाद भी जाते हैं, कितना लाहौर है क्या, जल्दी से कवर कर लें इसके बाद टाइम ना मिले हमें, GDH सपोज प्रॉफिट के अमाउंट 25% मार्जिन कॉस्ट बताए, बस आप माइंड अप कर दें, सही बताइए, ये सर इक्वेशन डिफाइन हुई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, मार्जिन बताया तो सेल इज 100, 75 मेरा ख्याल 30 बनेगा, 40-50 आंसर ठीक नहीं है, ये टाइपिंग में शायद मिस्टेक हुई है, तरीका देख के उठ जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 75, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है जी, प्लीज 30,000, चलें इंशाल्लाह कल यहीं से दोबारा बैच शुरू करेंगे, अल्लाह हाफिज़, ये बट आज होमवर्क कोई एक्स्ट्रा नहीं इसलिए क्योंकि अभी शायद हमने आगे चलना है, तो पुरानी चीजें थोड़ी सी बस एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, नया कुछ नहीं है, अल्लाह हाफिज़।